कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट क्लियर डाउट्स इन फ्यू मिनट्स सब्सक्राइबर्स फॉर न्यू स्टडी वीडियोस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। कल हमने शुरू किया था टॉपिक जो था टेंस, जिसका हमने एक पार्ट किया था वो था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आज हम नेक्स्ट उसका पार्ट करने वाले हैं जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? जो एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को बताता है। कौन सी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को? जो प्रेजेंट में हो रही है। लाइक दैट आई एम टीचिंग एट दैट टाइम, इस टाइम मैं पढ़ा रही हूं, तो ये प्रेजेंट की एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को शो करने के लिए, इस एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, एवरी टेंस हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर, हर टेंस का एक अपना स्ट्रक्चर है। तो ये बात हमें, एक मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रेजेंट टेंस में, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। अब देखते हैं, सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और वो कौन सी है? बी। वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म? बी। जिसकी फॉर्म है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, इज, एम और आर। क्योंकि मैं पहले कह चुकी हूं, वी यूज्ड ओनली फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस। तो इज, एम, आर। और कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए, एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई और कॉन्टिन्यूटी की भी कंडीशन क्लियर कर रहा है हमारा सेंटेंस। तो अब जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट हमने कल भी डिस्कस किए थे, सब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जिसको हम हिंदी में एकवचन बोलते हैं, जिसपे कौन कौन से आते हैं, ही, शी, इट और एनी वन नेम, कोई भी एक नाम हो सकता है, लाइक दैट राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, मोदी, कोई भी हो सकता है एक। और प्लूरल में कौन से आते हैं? प्लूरल में आते हैं दे, We, you, और two, और more name, दो और दो से ज्यादा name, like that राम एंड श्याम, लक्ष्मण एंड राहुल, कोई भी दोनों जो इंडिकेट करते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल। अब मैंने कल भी कहा था कि आई एक्सेप्शनल है, कभी वो सिंगुलर के साथ काउंट हो जाता है, कभी प्लूरल के साथ और कभी अकेला। अब देखिए, यहां पर हम यूज करते हैं कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट एक नेम आता है, प्लूरल में दे, वी, यू और दो या दो से ज्यादा नाम आते हैं। तो इनके साथ हम वर्ब की कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं? सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे इज, प्लूरल के साथ हम करेंगे आर, और जो आई है हमारा, आई यहां पर बिल्कुल अलग, इसके साथ हम यूज करेंगे एम। तो तीनों ही हमारे पास फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब की, इज, एम, आर, तीनों ही हमारी सब्जेक्ट हैं, इनके साथ इनका यूज हो रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि हम इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज कब करेंगे? उसको यूज करने के लिए हमें चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी टाइम, टाइम कौन सा? अब देखें, एडवर्ब चाहिए हमें, एडवर्ब जो टाइम को शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, कल भी हमने डिस्कस किया था, इसे हम कह सकते हैं बैकबोन ऑफ द टेंस। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी हो रही है अभी, उसके लिए, लाइक दैट नाउ, स्टिल, एट द मोमेंट, इसी मोमेंट पर कोई काम हो रहा है, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, करंटली, इन, यानी इन दिस प्लस में टाइम, इन दिस टाइम, लाइक दैट, इन दिस मॉर्निंग, इन दिस इवनिंग। तो इस तरह से जब भी हमारे पास एडवर्ब आते हैं तब हम यूज करते हैं इज, एम, आर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी। अब हम उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि ये क्लियर कैसी होगी। अब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किसका, जो कल हमने टेंस किया था और आज जो कर रहे हैं। देखिए दो एग्जांपल है हमारे पास, वी विल टेक टू एग्जांपल। वो कौन कौन से, लुक, द मदर डैश लुक आफ्टर, द मदर डैश लुक आफ्टर हर चाइल्ड। एक तो ये एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल सेम लेते हैं फिर इसकी क्लियरिटी करते हैं। नेक्स्ट है द मदर डैश लुक आफ्टर हर चाइल्ड, दोनों ही बिल्कुल सेम है। अब इसमें हम कैसे आइडेंटिटी कर सकते हैं कि कौन सी वर्ब लगेगी, नहीं, अब इसके साथ हम यूज करते हैं टाइम। अब टाइम इसके साथ हम यूज करते हैं, टाइम क्या आएगा, डेली, और इसके टाइम यूज कर दिया हमने नाउ। अब ये अलग हुए दोनों, अब किसको शो कर रहा है, जो टाइम रेगुलर चल रहा है, ये जो अभी प्रेजेंट में हो रही है इंसिडेंट। तो देखें बिल्कुल हमारा सब्जेक्ट सेम, वर्ब सेम, ऑब्जेक्ट सेम, टाइम ने सारा सिस्टम चेंज कर दिया। अब देखिए यहां पर डेली है, डेली है तो सीक्वेंस में हो रही है जो भी इंसिडेंट हो रही है। तो इसके लिए हमने कल किया था कि अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस, जैसे देखते हैं लुक्स और साथ में आफ्टर, लुक्स आफ्टर। अब इधर देखते हैं सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल भी सेम है बिल्कुल, बट यहां पर टाइम है नाउ, ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट में होने वाली जो अभी अभी चल रही है उसमें। तो क्या आएगा, इज, क्यों, क्योंकि मदर क्या है, सिंगुलर है, इज लुकिंग आफ्टर, लुकिंग आफ्टर। देखें दोनों ही एग्जांपल सेम, लेकिन टाइम ने उनके जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज कर दी, और वो चेंज करने वाले कौन है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट लेते हैं अगला एग्जांपल, अगले एग्जांपल में हम करते हैं कि किसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, लाइक दैट आई डैश टीच नाउ, आई डैश टीच नाउ। नेक्स्ट है ही डैश टेक बाथ एट प्रेजेंट। नेक्स्ट है वी डैश गो टू सिनेमा, गो टू सिनेमा इन दिस इवनिंग, इन दिस इवनिंग। ये जो है ये हमारे एडवर्ब हैं जो शो कर रहे हैं टाइम को, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी को। अब हमें लगाना है इज एम आर में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या यूज करना है, आई एन जी, और बना देना है प्रेजेंट पार्टी सिंपल। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम यूज करेंगे इज, और टेक के साथ लगाएंगे आई एन जी। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो वी के साथ हम यूज करेंगे आर और लगाएंगे आई एन जी, तो बन गया वी आर गोइंग टू सिनेमा इन दिस इवनिंग। इस पॉइंट की वजह से जो है हमारी इन एंड दिस इवनिंग एट द प्रेजेंट नाउ, ये जो एडवर्ब है इनकी वजह से हम इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। नाउ अगला जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंस का वो क्या रहेगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हर जो टेंस है उसमें फोर फोर स्ट्रक्चर रहते हैं आगे, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिविटी को दिखाता है, ना को शो करता है,
तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं हम? नोट। और नोट कहां यूज होता है? सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट होगा, ये जानते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी इज एम आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है नोट, जैसे हमने कल भी किया था डू और डस के बाद नोट किया था। और उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। द पीएम डैश नोट डैश अटेंड द मीटिंग नाउ। नेक्स्ट है एट द मोमेंट, एट द मोमेंट द मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स डैश नोट डैश लिसन द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक ऑफ पब्लिक। सीधा एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास नाउ कॉन्टिन्यूटी के लिए, और इधर एट द मोमेंट। यहां अब देखें जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वी यूज इज, और वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी अटेंडिंग अटेंडिंग। और नेक्स्ट मिनिस्टर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे आर, और नोट है ही पहले, और लिसनिंग लिसनिंग। सीखते हैं द पीएम इज नोट अटेंडिंग द मीटिंग नाउ। एट द प्रेजेंट द मिनिस्टर्स आर नोट लिसनिंग द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर करते हैं, इसमें एग्जांपल्स को पीएम जो है वो सिंगुलर है, इस लगाया क्यों? क्योंकि नाउ है हमारे पास, नाउ कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। यहां पर मिनिस्टर्स जो हैं वो प्लूरल हैं, हमने आर यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास एडवर्ब है एट द प्रेजेंट। तो अब करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का और किया जाता है क्वेश्चन, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या रहेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो ऑलवेज, कल भी हमने डिस्कस किया था, कहां आती है? बिफोर सेंटेंस, सेंटेंस से पहले। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब्स विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं एग्जांपल्स, तो एग्जांपल लेते हैं डैश, एग्जांपल है डैश राहुल डैश राहुल डैश हैव लंच नाउ क्वेश्चन मार्क। अगला है डैश राम एंड सीता राम एंड सीता डैश बिहोल्ड डैश बिहोल्ड द रेम्बो द रेम्बो स्टिल द रेम्बो स्टिल। तो सी द एग्जाम्पल देयर इज राहुल, राहुल इज सिंगुलर यानी राहुल जो है वो क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करने वाले हैं? इज और हैव की फोर्थ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो बन जाएगा हैविंग। राम एंड सीता, राम एंड सीता टू पर्सन इट मींस प्लूरल प्लूरल, तो प्लूरल के साथ यूज होगा आर आर, और इसको बना देंगे बी होल्डिंग आई एन जी लगाकर।
तो क्वेश्चन जो है हमारा, देखो किस वजह से बना, वो बना स्टिल की वजह से, वो बना नाउ की वजह से। अगर यहां पर और एडवर्ब होते, जैसे हम एग्जांपल कल किए थे डेली होता, तो यहां इज एडवर्ब नहीं होते, यहां डू डज होते। क्यों? क्योंकि एडवर्ब जो है वो हमारे टाइम को बताता है, और टाइम किसको बताता है, टेंस में, टेंस में जो टाइम बताया जाता है। तो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो अगला एग्जांपल देखते हैं किसका, इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर का। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जो हमारा सेंटेंस रहता है वो कैसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन भी होगा और ना भी होगा, वो कैसे होगा? क्वेश्चन हमें करना है तो हम लगाएंगे वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, फॉर्म होती है वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसे पहले यूज करेंगे इज एम आर, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हम नोट का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सीधा एग्जाम्पल लाइक दैट, डैश द टीचर, डैश द टीचर नोट रीड द बुक, नोट रीड द बुक इन दिस मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग। तो नेक्स्ट देखते हैं, डैश द स्टूडेंट्स, डैश द स्टूडेंट्स नोट डैश मीट विद देयर पेरेंट्स एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। तो देखते हैं, टी डैश द टीचर नोट डैश वर्ब है रीड द बुक इन दिस मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग डैश द स्टूडेंट नोट डैश मीट देयर पेरेंट्स एट द मोमेंट, एट द मोमेंट और एट इन दिस इवनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे एडवर्ब है, इन्हीं से हमें वर्ब को शो करना है। तो देखते हैं, टीचर सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी रीडिंग, और स्टूडेंट्स के साथ हम यूज करेंगे आर, स्टूडेंट्स के साथ आर। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी मीटिंग। तो ये हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था वो हमने डिस्कस किया, जिसमें चार स्ट्रक्चर थे, पहला एफर्मेटिव था, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर तो हर किसी में सेम रहता है, लेकिन सेम चीज क्या नहीं रहती, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रही, इज एम आर। कल हमने कंपेयर, कल के साथ हम कंपेयर करते हैं, वहां हमारी थी डू डज। कल आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखें, तो उसमें क्या है कि हमने यूज किया था डू और डज। डू डज क्यों किया था, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है वो शो करता है रोज जो काम होता है उसे। लेकिन इज एम आर और आई एन जी हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो एट द प्रेजेंट कोई भी इंसिडेंट हो रही है, इवेंट घट रही है, तो उसको हम शो करते हैं। तो इसलिए स्ट्रक्चर जो है वो हम यूज सेम रहता है, लेकिन जो वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो एडवर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जो हमने कल भी डिस्कस किया था उसकी एडवर्ब अलग थी, आज जो हमने टेंस किया है उसकी एडवर्ब अलग है। जैसे हम फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, वो एडवर्ब कौन कौन सी थी, टूडे है, नाउ, स्टिल, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट, करंटली, इन दिस मॉर्निंग हो सकता है, दिस इवनिंग हो सकता है, हम कह सकते हैं इन दिस मॉर्निंग, इन दिस इवनिंग, प्लस में कह सकते हैं इन दिस टाइम, टाइम कोई भी हो सकता है, इन दिस आर भी हो सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइबर्स बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस की मिलती रहे।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी जो इसका ये वीडियोस का बेनिफिट है वो मिल सके। थैंक यू।